दोस्तों इस लेडी डॉक्टर का नाम ट्रेसा बताया गया है। डॉक्टर ट्रेसा उन मुस्लिम लड़कियों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश में लगी हुई थी जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब का यूज करती थी। इसी कोशिश में उसको इस्लाम के बारे में स्टडी करने का मौका मिला और उनको इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। फिर इनको समझ में आया कि इस्लाम असल में क्या चीज है, इस्लाम लोगों को क्या सिखाता है। इंटरनेट पर प्रोपेगेंडा के जरिए जो इस्लाम के बारे में बताया जाता है, इस्लाम उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सिखाता है। इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि गैर मुस्लिम भाइयों को प्रोपेगेंडा के जरिए समझाया जाता है, उन्हें डराया जाता है कि देखो कुरान में क्या लिखा है कि जहाँ भी काफिरों को देखो उन्हें मारो, उनकी बहन और बेटियों को अपनी शादी में लाओ, उनके साथ में लव जिहाद करो। लेकिन जब आप कुरान खोल करके देखेंगे, हदीस का स्टडी करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। और भी इस्लाम के बारे में बहुत सारे प्रोपेगेंडा हैं जो कि आम नॉन मुस्लिम भाइयों के जहन में दिमाग में भरा जाता है। तो इसी तरह इस डॉक्टर के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, ये भी प्रोपेगेंडा का शिकार हुई थी। लेकिन जब इसने खुद से इस्लाम का स्टडी किया तो इसको इस्लाम के बारे में सच्चाई मालूम हुई और इसने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद जो इस डॉक्टर ने जो कुछ कहा है वो सोचने वाली बात है। डॉक्टर ट्रेसा कहती हैं कि इस्लाम ऐसी चीज़ों से मना करता है जो बीमारियों, मायूसियों, मसाइल और ज़िंदगी में मुश्किलात का बाइस बनती हैं। इस्लाम ऐसी तमाम चीज़ों से मना करता है जिससे इंसान बीमार हो सकता है। जैसे कि शराब पीने से इंसान की ज़िंदगी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, इसीलिए इस्लाम में शराब हराम। सुअर के गोश्त खाने से कई तरह की बीमारी होती है, इसीलिए इस्लाम में सुअर हराम। इसी तरह इस्लाम ने मुसलमानों को जिन जिन चीज़ों को खाने से मना किया है उसके खाने से नुकसान ही नुकसान होता है। इसी तरह इस्लाम ने जिन चीज़ों को खाने का अलाउ किया है उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है, उसमें फ़ायदा ही फायदा है, या ये कि नुकसान बहुत कम है। एक सिंपल फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो चीज़ इंसानियत के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए नुकसानदेह है वो इस्लाम में जायज़ नहीं होगा, या वो अगर जायज़ भी होगा तो वो काम पसंदीदा नहीं होगा, बल्कि उस काम के न करने पर जोर दिया गया होगा। जैसे कि तलाक का मसला है, मियां बीवी के दरमियान अगर कुछ भी रास्ता नहीं बचता है एक साथ रहने के लिए तो इस्लाम ने यहाँ पर तलाक का रास्ता दिया है। इसी तरह औरतों के हक में खुला का रास्ता दिखाया है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मियां बीवी अगर दोनों एक साथ में रहें, अपने झगड़े को ख़त्म करके, आपसी इख्तलाफ को ख़त्म करके एक साथ अगर रहना चाहें तो ये उन दोनों के लिए बेहतर होगा। शराब पीने से सिर्फ शराब पीने वाला ही परेशान नहीं रहता है, बल्कि उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं। शराब पीकर वो घर में आकर के बाकी बाकी बातें करता है, घर वालों से आकर के लड़ता झगड़ता है, गालम गलोच करता है। लिहाजा इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। इसी तरह चोरी, डाका जनी, रेप की एक्टिविटी, ये सारी ऐसी एक्टिविटी है जो कि समाज के लिए ख़तरा है, इंसानियत के लिए ख़तरा है। इस्लाम ने इन तमाम एक्टिविटीज़ को हराम करार दिया है। अगर कोई आदमी इस एक्टिविटी को कर लेता है तो उसके लिए सज़ा भी मुतय्यन किया गया है, ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत हो और इसके खुद के लिए भी इबरत हो। इसी तरह सूद का सिस्टम है। सूद का सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि मालदार आदमी इससे और भी मालदार होता जाता है, जबकि गरीब आदमी इससे और भी गरीब होता जाता है। लिहाजा इस्लाम ने इस सिस्टम को भी इंसानियत के लिए ख़तरा बताया है और इसको हराम करार दिया है। रेप की एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो कि समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। लिहाजा इस्लाम ने इस पर रोक लगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि तमाम वो एक्टिविटीज़ जिसके वजह से लोग रेप की तरफ जाते हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया है। नंगापन, बेपर्दगी, नामहरम का आपस में मेल जोल बातचीत करना, आपस में हंसी मजाक, नज़रों का तबादला, ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि रेप के रास्ते पर ले जाती है। इस्लाम ने इसका हल बता दिया कि इसको हम समाज से कैसे दूर कर सकते हैं। लोगों से कहा गया कि निगाह को नीचे रखो, अजनबी मर्द और औरत एक दूसरे से घुल मिल कर ना रहे, शराब पीने से बचें, छोटी बच्चियों को छोटे से ही पर्दे की आदत डालें। ये ऐसी चीज़ है जिसको अपना करके हम इस तरह की एक्टिविटी से दूर रह सकते हैं। आप अपने आसपास में निगाह दौड़ा करके देखें, जहाँ पर इन बातों का ख्याल रखा जाता है वहाँ पर रेप के केस कम होते हैं, जहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखी जाती है। दोस्तों ये तमाम चीज़ें मैं बहुत मुख्तसर करके बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में वसाइल की कमी है।
अगर आप लोगों की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला तो मैं आप लोगों के साथ में इस टॉपिक पर और भी डिटेल से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप लोग दुआ में याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़बान में वो तासीर अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये वीडियो पहुँच सके।